रामगढ़ जिले के उपायुक्त संदीप सिंह लगातार विभिन्न सुदूरवर्ती इलाकों का दौरा कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का जायजा ले रहे हैं। उपायुक्त कहते हैं कि चाहे टीकाकरण अभियान हो या घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य, सभी में जन सहयोग जरूरी है। यहाँ पर कोरोना से संबंधित वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो, रैपिड एंटीजन जाँच गाँव में हो रही है, अभी घर घर सर्वे स्टार्ट होना है, वैसे सभी लोगों का जिनको कोरोना या कोरोना जैसे लक्षण है या सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण है, तो उसी के क्रम में ये ग्राम भ्रमण आज यहाँ सुपरीगढ़ा में किया गया था। और जैसा कि वर्तमान मुखिया जी द्वारा, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके द्वारा बताया गया कि बहुत उत्साह से लोगों के द्वारा वैक्सीन दी जा रही है। रामगढ़ जिले में टीकाकरण अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहरी युवा भी वैक्सीनेशन के लिए सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रहे हैं और वे काफी उत्साहित हैं। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग वैक्सीन लेने के लिए यहां पर आए हैं। अब वैक्सीन के प्रति जो अफवाह फैला हुआ है कि वैक्सीन लेने से इसका निगेटिव असर हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन के प्रति युवाओं को जागरूक करने का सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। रांची जिले के कई युवक भी रामगढ़ के सुदूरवर्ती वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन ले रहे हैं। रांची जिले के मूरी से पहुंची एक युवती ने कहा कि वैक्सीन सभी को लेना चाहिए। मुझे लगता है वैक्सीन सबको लेना चाहिए, हम खुद भी अभी लिए, और यही एक तरीका है कोरोना से मतलब अपने आप को बचाने का। मूरी हिंडालको से वैक्सीन लेने रामगढ़ पहुंचे एक युवक ने बताया कि कोविड टीके को लेकर कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, जबकि कोरोना से बचाव का ये एक कारगर हथियार है। वैक्सीन लेने से मैं हिंडालको मूरी से आया हूं और ये बहुत ही अच्छा है और हम लोगों को कोई महसूस भी नहीं हुआ और ये कोई भी अफवाह में आने का जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन लेने के समय और लेने के बाद शरीर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। रामगढ़ समेत पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसका सकारात्मक असर अब राज्य भर में देखने को मिल रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट।